विद्यार्थियों का आपकी भूगोल प्रायोगिक क्लास में स्वागत। आज हम प्रैक्टिकल का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है यातायात परिणाम आरेख या ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राफ के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लेकिन हम लोगों को सबसे पहले ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि यातायात या परिवहन का तात्पर्य क्या होता है। परिवहन का अपन सीधा सा तात्पर्य ये लगाते हैं किसी स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान लाना और ले जाना परिवहन कहलाता है। ये एक सामान्य परिभाषा है, लेकिन इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि M3 ध्यान रहे, आप इस शब्द को ध्यान रखें। M3 का तात्पर्य ये है मैन मटेरियल एंड मैसेज, व्यक्ति संदेश और सामग्री। इन तीनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना और ले जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं हम कि मोबाइल के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष को अपन संदेश भेजते हैं, वो भी एक तरह से संदेश का आदान प्रदान हो रहा है। या कोई भी सामग्री है, सामग्री को भी अपन किसी स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे या लाएंगे, वो भी एक प्रकार क्या होता है? आपका परिवहन होता है। और मानव जो खुद है वो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है या आ रहा है, एक स्थान जाता है या आता है, उस प्रक्रिया को परिवहन के रूप में से संबोधित कर सकते हैं। और परिवहन का एक शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, परि का मतलब तो ये होता है कि पार आना और वहन का मतलब ले जाना या लाना, यानी किसी के पार आना या जाना क्या कहलाता है? आपका परिवहन के रूप में जानते हैं। दूसरी बात करते हैं हम कि मान आरेख, अपन पढ़ रहे हैं मान आरेख कि परिवहन यातायात मान आरेख या परिमाण आरेख के रूप में जान सकते हैं। मान आरेख का सीधा सा तात्पर्य यह है कि मानचित्र का चित्रमय प्रदर्शन, मानचित्र का चित्रमय प्रदर्शन जिसमें किसी भी प्रकार के आंकड़े को हम एक व्यवस्थित रूप से या प्रदर्शित कर दें या उसको बता सकें, या कई बार रहता है कि किस उद्देश्य से हम मानचित्र को बता रहे हैं और ये जो कार्टोग्राम पढ़ रहे हैं उसको अपन एक तरह से व्यंग्य के रूप में भी इससे अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, या अपन कह सकते हैं किसी आंकड़ों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। कई बार एक व्यंग के रूप में बन जाता है यह, तो इसको अपन व्यंग चित्र के रूप में भी इसे जान सकते हैं। मान को कहा जाता है कि भूगोल के अंतर्गत व्यंग चित्र के नाम से अपन किस कार्टोग्राम को या किस आलेख को जानते हैं, तो होगा आपका यातायात मानारेख या उसे व्यंग चित्र रूप में जानते हैं। भूगोल के अंतर्गत की बात करते हैं हम तो लगभग 1957 के आसपास में परिवहन भूगोल के पिता थे एडवर्ड उल्मान। इन महोदय ने सबसे पहले भूगोल के अंतर्गत या भूगोल में सबसे पहले ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम की रचना की थी। मान लो प्रतियोगी में आ जाता है कि परिवहन भूगोल के जनक कौन है, तो उनका नाम है एडवर्ड उल्मान, और उन्होंने 1957 के आसपास में सबसे पहले भूगोल के अंतर्गत ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम की रचना की थी। यह थी इसकी एक सामान्य जानकारी। अब हम पढ़ते हैं कि ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम एक प्रायोगिक के उद्देश्य से इसकी रचना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रश्न में आपको दो प्रकार के आंकड़े दिए होते हैं, एक तो होगा इसमें आपको बसें दी होगी। ट्रैफिक फ्लो का तात्पर्य हो गया किसी स्थान विशेष से किसी दूसरे क्षेत्र पर जो परिवहन का जो साधन है वह कितना जा रहा है। इसमें एक सीधी सी बात जो आपके सामने उदयपुर जिले का एक चित्र है, उदयपुर जिले के चित्र से ये हम लगानी है जो राजस्थान रोडवेज की जो बस है वो मैंने क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं, उन क्षेत्रों पर कितनी कितनी बसें जाती हैं, उन बसों के आधार पर हम एक ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम की रचना करते हैं। ये आपके सामने एक उदयपुर का मानचित्र है, यहाँ मैंने अलग अलग स्थानों पर कुछ क्षेत्रों के नाम लिखे, जैसे ये वाला रास्ता आपका नाथद्वारा जाएगा, ये वाला आपका गोगुंदा, ये जाड़ोल कोटरा और ये खेरवाड़ा यानी कि बांसवाड़ा के आसपास में, ये आपका बटेवर से चित्तौड़ प्रतापगढ़, बटेवर से लेकर के भिंडर क्षेत्र आता है, भिंडर से आपका प्रतापगढ़ गोर में जाया जाएगा, और ये क्षेत्र आता है यहाँ से प्रतापगढ़ ही आगे तो फिर होगा। उसके बाद में ये जो आपका बिंदु आ रहा है मिडिल बिंदु, यानी कि उदयपुर का जो रोडवेज बस स्टैंड है वहां से लेकर के बसें चलना प्रारंभ होती है। और ये आपका प्रश्न में लिखा हुआ है कि उदयपुर से नाथद्वारा की बसें चलती है 48 बस चलती है। ये आंकड़े हैं लगभग 2015 के आसपास के आंकड़े हैं,
कि उदयपुर से लगभग कितने बस चलती है आपकी नाथद्वारा के लिए? 48 बस चलती है। वापिस उदयपुर से चित्तौड़ के लिए चलती है 32 बस चलती है। उदयपुर से प्रतापगढ़ के लिए 12 बस चलती है। उदयपुर से बांसवाड़ा के लिए 24 बस चलती है। उदयपुर से आपकी A4 37 बस और यूके के बाद कोटा के लिए 16 बस आएगी और गोगंदा के लिए आपकी आपकी 32 बसें आएंगी। ये आपकी है बसों की संख्या, बसों की संख्या। अब आप सामान्य रूप में ये नहीं कहेंगे कि मान लो जो उदयपुर से नाथद्वारा बसा जा रहा है तो कितने बस आ रहे हैं, 48 बस आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि आप इस प्रकार से 48 बसें बना दो आप इसे कि कितने बस जा रहे हैं, 48 बसें जा रही है, नहीं। इसको बनाने के लिए हम लोगों को एक पैमाना तय करना पड़ेगा, उसमें पैमाना तय करने के लिए जैसे हमने पैमाना तय किया कि 1 मिलीमीटर बराबर 4 बसें, 1 मिलीमीटर की जो मोटाई होगी वह कितनी बसों को बताएगी आपकी, 4 बसों की। यानी कि जो आपके पास में प्रश्न लिखा हुआ है उनमें सभी का किसका भाग देना है, 4 का भाग देना, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड बाई 4 4 4 4 एंड 4। क्योंकि पैमाना अपने क्या मानना है कि 1 mm बराबर 4 बसें, यानी 4 बस की बात करेंगे तो हम 1 mm की मोटाई के अपन लकीर खींचेंगे। इसमें इसका आंसर आता है 16 mm। इसके आ जाएगी आपकी कितनी आती है बताइए जरा सर, 48 बसों में 4 का भाग देंगे दे दिया 12 × 50 ये कितना आ जाएगी आपके 8 × 32 3 बसें आ जाएगी आप, उसके बाद में 6 बसें आ जाएगी, उसके बाद में आ जाएगी आपकी 9 × 36 4 × 16 और 8 × 32। ये यहाँ पर जो मैं बता रहा हूं आपको ये सभी हैं मोटाई जो हमने पैमाना माना है। ध्यान रखें बसे तो ये हैं लेकिन हम प्रदर्शित करनी है आपको ये वाले चल रही है कैसे। जैसे मान लीजिए कि 12 लिखा हुआ है यानी कि 1 mm वाला ये हिस्सा, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यानी कि अपन नाथद्वारा की ओर जाएंगे तो लगभग इतनी मोटाई बड़ी अपन को लाइन खींचनी पड़ेगी अपन, ये ध्यान रखेंगे आपको। अब नाथद्वारा का रास्ता कौन सा रहा आपका, ये वाला रास्ता जरा, तो यहां से हम लोगों को कितनी 12 mm अपन ने जो पैमाना माना है, पैमाना अपनी इच्छा के अनुसार मान सकते हो। जैसे मान लो मैंने 4 माना है तो आप 2 भी मान सकते हो, आप 5 भी मान सकते हो, लेकिन पैमाना तय करने के लिए यह समझना कि ऐसा ना हो कि आप न्यूनतम को प्रदर्शित कर ही पाओ और अधिकतम को अच्छे से प्रदर्शित कर लो। तो ये थोड़ा ध्यान रखें आपकी, मान लो आपने 5 रखा और इसमें बस आपकी 4 बस आ रही, 4 mm आ रही है, तो मान लो थोड़ा सा कंफ्यूज जाएंगे, बिल्कुल पतली लाइन बन जाएगी ये वाली है, इसको लाइन बनने की सिर्फ एक इतनी सी बन जाएगी आपको। तो न्यूनतम और अधिकतम को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों को पैमाना तय करना है। अब जैसे मान लो आ गया इसमें 12 mm की बात कर रहा है, 12 mm वाला हो गया 1 cm और 2 mm। अब यहां से ये आ रही है नाथद्वारा के लिए तो इसकी मोटाई आपकी ये हो जाएगी। आपको स्केल के माध्यम से माप लेना है कि ये इसकी 1.2 आ रही है, ये इसकी रेशियो हो जाएगा, इसके बीच में आप कलर कर सकते हो। दूसरा बताया मैंने उदयपुर से चित्तौड़ के लिए आ गया आपकी 8 mm, ये चल रहे बटेवर। आप चित्तौड़ के लिए जाना है तो जब बटेवर हो गया उसको जाना पड़ेगा, क्यों वो एरोप्लेन से डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले क्या बटेवर जाएगा, भले इसमें बटेवर का बसे नहीं दी हो लेकिन आपको बटेवर से ये चलना है आपको। इससे बटेवर से कितने आ रही मोटाई आपकी, 8 आ रही है, तो यहां से इस प्रकार से चले यह चले, फिर आप ऐसे पुनः सेम लाइन आपकी ऐसे आएगी। सेम लाइन क्यों आएगी, क्योंकि अपन ने चित्तौड़ के लिए पड़ी हुई बस है, ये ध्यान रखनी आपको। भले ही इसमें बटेवर ना लिखा हुआ हो लेकिन एक सामान्य जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए कि उदयपुर से हम जब चित्तौड़ जाएंगे तो कैसे होके जाएंगे, बटेवर होके जाएंगे तो बटेवर सीमेंट इसमें आएगा आपका। उसके बाद प्रतापगढ़ के लिए 3 mm प्रतापगढ़ आपका ये रहा, तो यहां से चलना है आपको बटेवर तक आएगा, बटेवर से ही अपना रास्ता जाएगा प्रतापगढ़ के लिए। आपको मालूम है कि डायरेक्ट को प्रतापगढ़ से रास्ता नहीं जाएगा,
बटेवर होके जाना पड़ेगा। तो इसके बटेवर से वैसे नियम क्यों होना चाहिए, बटेवर से प्रतापगढ़ के लिए बस होनी चाहिए थी, लेकिन इसने क्या कर दिया कि डायरेक्ट उदयपुर से प्रतापगढ़ के लिए तीन तीन कह रहे हो, बात तो वही होगी आपकी, रास्ता वही चल रहा आपका, तो यहां तक तो उसकी मोटाई वही रहेगी जो चित्तौड़ वाली थी, क्योंकि बस में चित्तौड़ की जा ही रही है आराम से, उसमें अपन को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इस बस में तीन बसें और ऐड कर रहे हैं अपन, तो मोटा चेंज नहीं करेंगे, और उसके लिए क्या है पतली लाइन बना देंगे, ऐसे ऐसे लाइन बन जाएगी इसकी एक बिल्कुल ही। उसके बाद बात कर रहे हैं अपन बांसवाड़ा के लिए, बांसवाड़ा के लिए देख लें आप, सुनो छह आ रही है आपकी, तो यहां से आप ऐसे बस बन जाएगी आपकी खेरवाड़ा, सॉरी बांसवाड़ा के लिए ऐसे बन जाएगी आपकी। उसके बाद में बन जाएगी आपकी एक देख लेते दो मिनट के लिए, उसके आगे हम लोगों को बतानी है अहमदाबाद की। अब अहमदाबाद के लिए कितने आ रही है आपकी, नौ आ रही है, लेकिन मैंने अहमदाबाद यहाँ के लिखा हुआ नहीं है, तो सामान्य जानकारी में अपन को मालूम होना चाहिए कि उदयपुर से अहमदाबाद जाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, खेरवाड़ा जाना पड़ेगा। तो खेरवाड़ा से आपका आगे का रास्ता कौन सा आएगा, आपका अहमदाबाद का रास्ता आएगा आपका। तो यहां से लेकर के यहां तक की मोटाई कितनी होगी आपकी, नौ, ऐसे प्रकार से मान लो डबल आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रहेगी आपकी मोटाई आपकी, और अहमदाबाद रास्ता हो जाएगा आपका। उसके बाद में उदयपुर से लेकर ये आपका क्या मतलब आएगा, कोटला, कौन सा आएगा कोटला, कोटला के लिए कितनी आएगी आपकी, चार एमएम की मोटाई आएगी। तो यहां से लेकर के अब जाडोल जाना पड़ेगा, बीच में पहले भले जाडोल की नहीं हो आपके, लेकिन जाडोल आपको जाना पड़ेगा। यहां से लेकर के ये गया बीच रास्ता आ गया और वापस इसकी मोटाई से अंतर जाएगी। उसके बाद में उदयपुर से लेकर जी फोर गोकुंदा, गोकुंदा के लिए कितनी आएगी, आठ एमएम की मोटाई आएगी, इसमें आपको यहां से लेकर के आठ एमएम की मोटाई से लाइन करनी है। इस प्रकार से ये प्रकार का आपका ट्रैफिक फ्लो कार्ड का बन चुका है। अब इसमें आपको मोटाई को आपको ब्लैक रंग करना पड़ेगा, इस प्रकार से काला पूरा करना पड़ेगा, एक तो बिल्कुल काला रंग करके, दूसरी चीज ऐसा ना करके कोई कहे सर मेरे पास पेन नहीं है, मैं थोड़ा सा गरीब आदमी हूं या पेन में नहीं बिगाड़ सकता हूं, उसके लिए भी एक इलाज है। क्या है कि जैसे मैंने कहा कि यहां पर एक एमएम चार बसे कह रहा हूं, तो मैंने कहा ये 12 एमएम की मोटाई, या ये काम कर सकते हो कि यहां से इस नाथ द्वारा के लिए यहां पर 12 लाइन बना दीजिए, कितने बनानी है 12 लाइन बना दे, इस प्रकार से दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस 11 और 12, ये 12 लाइन बन गई आपकी, यानी एक लाइन कितने बनेगी आपकी, चार बस, जो एक रेखा जो आएगी वो चार बसों की आएगी आपकी, तो 12 कितने बजे आपकी, यानी कि 48 बसों को प्रदर्शित कर देगा। आप इसको लाइनों के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हो, यानी कि या तो मोटाई दे दो या एक प्रकार से ऐसे रहेगी मोटाई बिल्कुल, एक मोटाई आप इस प्रकार से आ रही है, और इसी चीज को अपन लाइन के माध्यम से भी अपन बता सकते हैं। लाइन में भी आप माना चाहो तो लेने अपने कि एक लाइन एक मेम है, क्या मान के लिए इसने कि चार बस है, कोई दिक्कत नहीं इसमें आपकी, 12 आ जाएगी आपकी। यानी इस क्वेश्चन को हम एक मोटाई के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और चाहो तो आप एक लाइन के माध्यम से भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको एक मापनी भी इसमें बनानी पड़ेगी, ध्यान रखें आप, मापनी का तात्पर्य इसमें यह आएगा कि इसमें मुख्य जो आप बात कर रहे हो इसकी लंबाई से कोई तुक नहीं, इसमें इसमें जो है रेखा की मोटाई का इसमें सबसे ज्यादा मुख्य तात्पर्य होगा। मान लो ये लंबाई यहां से लेकर मान लो 100 किलोमीटर तक गई, उसे कोई मतलब नहीं है, वो जारी है, लेकिन मान लो मैंने यहां चौड़ा रखा, यहां पतला रखा, यहां बिल्कुल पतला है, इसका तात्पर्य हमको देखने से भी स्पष्ट हो रहा है कि इस क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा बसें चल रही है, इसमें मध्यम चल रही है, इसमें सबसे कम मात्रा में चल रही है, लेकिन अपन लंबाई के हिसाब से ये पता नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लो ये सबसे लंबा क्षेत्र है लेकिन इससे पतली है, तो यहाँ अपन शो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर अधिक है कम है या न के बराबर है। इसकी जो मोटाई होगी, मोटाई के हिसाब से अपन ये पैमाना मानना पड़ेगा, उसकी एक स्केल बनानी पड़ेगी। इसके बढ़ेंगे जैसे मान लो
इस प्रकार से, जैसे मैंने कहा कि चार बसे में कितने 1 mm, तो 1 mm जो मोटाई मैंने मानी, सपोज 1 mm ये मैंने काटा काट दिया, उस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर गए, ये इसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर गए इस प्रकार से। अब ये सोच रहे हो सर ने सीडीएम को बढ़ा दिए, अब इसको एक ये मैंने पैमाना बनाया है, माप में बनाई है, इसको तय कैसे करेंगे, इसको अपन इस पैमाने के माध्यम से इसकी मोटाई कैसे निकालेंगे। अब आपको मालूम है कि 1 mm बराबर कितनी है आपकी, 4 बसे, तो मान लीजिए यहां से लेकर मान लो यहां तक, यहां से लेकर के मान लो यहां तक आपकी कितनी आई है, 12 mm आई, कितनी आई है 12 mm आई है। तो यहां स्केल के माध्यम से इसको माप करके मान लो माप लिया और मान लिया आपको 12 mm आ गया, तो 12 mm से आप आंकड़ा लगा दोगे कि उस स्थान पर बसे कितनी चलती है आपकी, 48 बस चलती है, क्योंकि आपने पैमाना क्या मान रखा आपको 4। मान लो प्रश्न ये भी दे सकते, प्रश्न में लिखा है कि 48 बसों के लिए 12 mm, तो मान लो आपको एग्जामिनर या वाईवा के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि जो जहां पर 12 बसें चल रही हैं, सॉरी जहां 12 mm की लाइन खींची है आपने, वहां पर कुल कितनी बसें चल रही है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। उत्तर से प्रश्न भी निकालना आना चाहिए, प्रश्न से उत्तर निकालना भी आना चाहिए। हम लोगों ने प्रश्न से उत्तर तो निकाल लिया, लेकिन आपको उल्टा पूछ लें कि जब मान लिया आपने 12 mm वाली मोटाई खींची है, बताइए मुझे आप कितनी बसें चल रही है वहां पर, तो मोटाई से यह पता कर सकते हैं कि 1 mm की कितनी हो रही है, 4 हो रही है, तो 12 के 4 बसेस में चलेगी, या डायरेक्ट बता सकते हो कि यहां पर इतने mm आएगी आपकी। तो ये आपका पैमाना भी इसमें आपको तय करना पड़ेगा। ये था आज का टॉपिक ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम। इस क्वेश्चन में किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।